मैं इसी संगीत टावर में रहता हूँ और जो परेशानियों को मैं देख रहा हूँ ये मेरे सारे भाई हैं। मैं आज यहाँ 25 साल से रहता हूँ संगीत टावर में और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि जो इनके साथ ये किया गया है, ये मुझे ऐसा लगता है कि इंसानी मूलभूत अधिकार का पूरी तरह से हनन है और ये बीजेपी सरकार कर रही है। और ये बीजेपी के नेता, एक ही दो नेता है बिल्डिंग के, जो अक्सर A1 मोटर हो गया या डायमंड मोटर हो गया या चंदू ऑटो गैरेज हो गया, भारत फैब्रिकेशन हो गया, विरगो हो गया, इन लोगों को परेशान करने का ये इनका एक हमेशा का तरीका रहा है पिछले 10 साल से। ये चाहते हैं कि ये, अगर ये मुस्लिम है तो क्या ये इनका गुनाह है? ये भारत में रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ बिल्डिंग में जो भी त्यौहार होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, A1 मोटर हो गया या कोई भी यहाँ के जो दुकान वाले हैं, शॉप वाले हैं, मिलजुल के सभी का सहकार्य करते हैं या यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया उनका सबका सहकार्य करते हैं। ये मैं खुद पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ और मैं भी एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवक हूँ, इस नाते मुझे आज कहना पड़ रहा है कि ये जो किया गया है ये बिल्कुल गलत है। आप ये करो ये गलत नहीं है, ये 100% लेकिन सही नहीं है। आपको अगर यहाँ 5 दुकानें हैं तो आपको एक गेट देना ही है कि आपकी गाड़ी, दुकान वालों की एक गाड़ी जाने की जगह होनी चाहिए। एटलीस्ट यहाँ से लेके वहाँ तक आपको 4 से 5 गेट देना ही है। ये आयुक्त से मीरा भाईंदर के जो आयुक्त हैं या जो यहाँ की विधायक गीता जैन हैं, उनसे निवेदन है कि वो इनका साकार करें। यहाँ कम से कम मुझे ऐसा लगता है 100-150 मजदूर ऐसे काम करते हैं कि जो अगर एक दिन काम नहीं करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पिछले 4 दिन से, जब से ये लगा है, पिछले 4 दिन से यहाँ मेरे कुछ मित्र हैं, उन लोगों ने मुझे ऐसा पर्सनली बताया है कि भाई मेरे घर पे त्यौहार मनाने जितना पैसा नहीं है या घर पे जाने का भाड़ा नहीं है, किसी दूसरे से उधार लेके जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ आपको या आयुक्त को, या मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी के परिवार को या किसी के दुकान में उसे धंधा करने से या काम करने से आप उसको मना कर दो। आप ये लगा दिए हो ये दुकान, क्या वो बेच के चले जाएं, या उनके अगर 8-10 परिवार हैं तो क्या वो अपने परिवार को भूखा मरने में छोड़ दें? 2 साल से कोरोना का जो भी मैटर था, तब से परिवार उनका वैसे ही खा रहा है, नहीं खा रहा है। कोई सरकारी इंसान या कोई भी नगर सेवक पूछने नहीं गया। यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं, पूछिए, मेरे मुफीद भाई हैं, कहाँ गए मुफीद भाई हैं, हम लोगों ने जोर शोर से प्रचार करके उनको जिताया। वही बीजेपी के 4 विधायक नगर सेवक हैं, हमने पूछिए इनको, मुफीद भाई हम लोगों ने कितनी, जो भी इलेक्शन आता है उसमें इतना हम लोग सहयोग करते हैं, फिर भी आज उनका ये है कि वो ये नहीं चाहते कि इन लोग अपने परिवार को जिला सके, खिला सके या कमा सके। एटलीस्ट आप ये लगाइए, ये गलत नहीं है। मैं भी नहीं बोलता कि ये गलत है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये गलत है, आप लगाइए, लेकिन हमें धंधा करने या रोजी रोजगार करने से आप मना नहीं कर सकते हो। आप हमारी गाड़ी जाने की परमिशन आपको देना ही होगा। अगर आप ये नहीं देते हो, हम हजारों की संख्या में, यही दुकान वाले नहीं, हमारी जितनी यूनियन है, ऑटो गैरेज और यहाँ से लेके भाईंदर स्टेशन या भाईंदर फाटक तक जो भी हमारे मजदूर साथी हैं, हम यहाँ चक्का जाम करेंगे। यहाँ की जो गाड़ियाँ आ जा रही हैं, आप दिखा दीजिए, जो भी गाड़ियाँ आ जा रही है, हम इसे जाने नहीं देंगे। भले हमें यहाँ उपोषण पे बैठना होगा तो भी हम बैठेंगे। हमारा आयुक्त से आह्वान है, यहाँ के आमदार और नगर सेवकों से आह्वान है कि हमारे जो भी भाई, मजदूर भाई हैं, गरीब भाई हैं, जो यहाँ एक दिन काम करते हैं तो उनके घर का चूल्हा जलता है, उन्हें काम करने या उनके घर पे चूल्हा उनके बुझाने या काम ये नेता ना करें। हमारा बस यही आह्वान है,
हम गरीब मजदूर लोग हैं, हमें रोजी रोजगार करने की परमिशन दी जाए। नहीं दी जाएगी तो हम यही वो जगह है आज बोल रहा हूँ और सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपोषण करने मैं और मेरे जितने साथी मजदूर साथी है यहीं बैठेंगे और यहीं चक्का जाम करेंगे। आयुक्त को आना ही पड़ेगा।